वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो अर्थ है उसका जो अपर लेयर है ना लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर किसे बनाए, क्रस्ट अपर लेयर, मोस्ट अपर लेयर जो होती है क्रस्ट प्लस मेंटल जोन, ठीक है, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 7 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स, प्लेट्स में ये डिवाइडेड है ऐसे करके, ठीक है, जो कि कम से कम 100 किलोमीटर डीप है थिकनेस में, थिकनेस इनके ऐसे करके अगर हम देखें तो ये थिकनेस में 100 किलोमीटर डीप है। और ये फ्लोट कर रही है क्या, एक सब्सटेंस है एस्थीनोस्फेयर, मेंटल में है, ठीक है, जो कि मॉल्टन स्टेट में है, मॉल्टन स्टेट में है, तो उसके ऊपर ये जो प्लेट्स है ना वो ऐसे करके फ्लोट कर रही है। इसको हम इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये हो गई वो मेजर प्लेट्स, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स हैं, नैंगस्का और ये कोकोस, फिर एक ये जुआंडी फुका फिलीपींस प्लेट, ये सारी माइनर प्लेट्स हैं। अब ये कोई भी प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट हैं, इसके बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन हो सकता है ये जानते हैं, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। कोई भी प्लेट है उसके बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन हो सकता है ये, तो या तो वो प्लेट्स आपस में टकरा सकती हैं, या फिर वो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या फिर वो प्लेट्स में आपस में ऐसे घर्षण रगड़ हो सकती है, ठीक है। अगर वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही कन्वर्ज कर रही है तो उनको कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं, प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है, और ये अगर दूर जा रही हैं तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हो जाती है। वही इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये वाली प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्जेंट हैं यहाँ पे कुछ कुछ, और ये कोई रिफाइंड नहीं है, ये बिल्कुल रैंडमली ये चीज़ डिवीज़न हुई थी, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ये वाली हैं, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, ये देखिए दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, और ये एस्थीनोस्फेयर की लेयर है नीचे जो कि एक मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है, एकदम थोड़ा लिक्विडी सॉलिड फॉर्म, ठीक है, पूरी तरीके से ना सॉलिड है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, एस्थीनोस्फेयर कहते हैं उसको, ठीक है, मेंटल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कुछ कन्वर्जेंट के लिए भी देख लेते हैं, ये देखिए ये कन्वर्जेंट है, ये एक प्लेट इस तरफ आ रही है और ये वाली प्लेट भी इस तरफ आ रही है, ये प्लेट इस तरफ आ रही है, ये वाली प्लेट भी इस तरफ आ रही है, तो कुछ इन प्लेट्स की वजह से कुछ रिलीफ फॉर्मेशन होता है जो कि हम शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर कोई दो बाउंड्रीज में कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है, तो या तो वो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, या फिर ओशनिक प्लेट होगी, या फिर कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। अगर वो कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट में आपस में भिड़ गई, दोनों कन्वर्ज हो गई, तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। और अगर ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा गई तो क्या होगा, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कन्वर्जेंस होगी, हमेशा ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो नीचे डूब जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर आ जाती है। और अगर ओशनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो अब ओशन में दोनों में से कौन नीचे जाएगी, जो लार्ज होगी, जो लार्ज प्लेट होगी वो सबडक्ट हो जाएगी। ये हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ, ये देखिए ये ओशनिक प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट हो गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे ट्रेंचेस बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंचेस बन जाते हैं, यहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप आ जाता है
और ये पिक्चर में देखने में तो बहुत छोटा गैप है, लेकिन एक्चुअली में तो ये बहुत बड़ा गैप होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये मैग्मा जो है, सॉरी ये लिथोस्फेयर की प्लेट जो है वो नीचे जा रही है, नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये प्लेट मेल्ट होती है यहाँ पे जो भी मटेरियल होता है, और वो वॉल्केनो के फॉर्म में बाहर आता है, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनोज भी बनते हैं, वॉल्केनिक आग बनती है। और अगर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों टकराती हैं तो क्या होगा? कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो हो सकता है थोड़ा पार्ट नीचे जाए, पर ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे दोनों प्लेट आपस में भिड़ती हैं और फोल्ड माउंटेंस ऐसे करके बनता है, इन्हीं प्लेट्स के कंटेंट से बनता जाता है, ऐसे करके फोल्ड माउंटेन बनता रहता है। और अगर डाइवर्जेंट प्लेट है इसी तरीके से, ठीक है, अगर एक प्लेट, एक डाइवर्जेंट प्लेट, एक प्लेट है, अगर ये दोनों प्लेट्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो क्या बनता है वो भी हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। ये पहले एक रिफ्ट वैली बनती है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो गई, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, दोनों एक दूसरे से दूर हुई, बीच में थोड़ी जगह ही जगह में पानी भर जाएगा, ओशन बन जाएगा, ओशनिक वाटर आ जाएगा, या फिर रेन वाटर की वजह से यहाँ पे पानी खट हो जाएगा, तो उसको रिफ्ट वैली बताते हैं, ठीक है। फिर और दूर होती चली जाएगी, फिर क्या होगा, और दूर होती चली जाएगी, वहाँ पे और भी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो वो एक न्यू ओशन बेसिन बन जाएगा, और फिर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस होने के बाद में एक कोई मैच्योर बिल्कुल ओशन क्रिएट हो जाता है, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री के जो हो गया। इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता है, सेम होता है कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, दोनों बाउंड्री डाइवर्ज हो रही हैं, नीचे से मैग्मा आ रहा है, ओशन के अंदर की बात हो रही है, और ये मैग्मा यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क बना रहा है, क्योंकि ये इकट्ठा होता जा रहा है, ये ऐसे करके इकट्ठा होता जा रहा है, यहाँ पे भी ये ऐसे करके इकट्ठा होता जा रहा है। आगे जा करके ये प्लेट यहाँ पर किसी दूसरी प्लेट से टकरा करके सबडक्ट हो जा रही, क्योंकि ये तो ओशनिक प्लेट है ना, तो ये सबडक्ट हो जाएगी यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट से उड़ेगी तो, और फिर यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कोस्ट जो होता है ना वहाँ पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा देखने में लगता है कि जो सी फ्लोर है ना वो बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल के यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। आगे जा करके ये प्लेट जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और कहीं ना कहीं इसका मटेरियल घूम घाम के फिर से यहीं पे आ जाता है, और फिर वो यहाँ पर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोटिस करने वाली होगी कि जब भी हम ये जहाँ पे ये डाइवर्जेंस हो रहा है इससे जितना दूर जाते जाएंगे ओशनिक क्रस्ट की एज उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो भी क्रस्ट पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, पुरानी है, और क्योंकि यहाँ से मैग्मा, नया मैग्मा आ रहा है, ये नई क्रस्ट बन रही है, तो इसकी एज कम होगी, यहाँ जाने पर इसकी एज ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है इसको मिड ओशनिक रिज कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीचों बीच हो रहा है कहाँ, ओशन के, तो ऐसी रिजेस बिल्कुल फॉर्म हुई हैं, और ये वो रिजेस हैं यहाँ पे पूरा है ना, ये पूरी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये वाली ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, ये क्या है, इनके बीच में ये डाइवर्जेंस है, सॉरी पहले मैंने शायद कन्वर्जेंस का एरो बनाई थी, ये डाइवर्जेंस है, यहाँ पे भी ये डाइवर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ पे ये मिड ओशनिक रिजेस बन रही है, जो कि ऊपर सैटेलाइट से देखने में भी दिखती हैं, ये ऐसे मिड ओशनिक रिलीफ्स बनते हैं, जैसे कि अर्थ के ऊपर माउंटेन्स होते हैं ये वैसे ही कुछ होते हैं, और कुछ का तो साइज इतना ज़्यादा बड़ा बताया जाता है कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊँचे होते हैं, ठीक है। ये हो गया मिड ओशनिक रिजेस के बारे में, और ये मिड ओशनिक रिज की एक डायग्राम। अब हम इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया गया है कि वही लिथोस्फेयर में है, 100 किलोमीटर थिकनेस होती है, और एस्टेनोस्फेयर के ऊपर ये फ्लोट कर रहा होता है, और ये सीमा कंटेंट का ज़्यादा बनाता है, सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसमें कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इसका होता है, ठीक है। ये 7 मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ठीक है, जिसका डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, माइनर प्लेट्स जो हैं वो भी ये लिस्टेड हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है, वो ये कहता है कि एक कंस्ट्रक्टिव मार्जिन होती है और एक डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होती है। अब कंस्ट्रक्टिव मार्जिन वो होती है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो ये कहता है दिस कॉजेज द टू प्लेट्स टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, कॉज अ फ्रैक्चर बिटवीन टू, कॉजिंग अ मैग्मा और द एस्थेनोस्फीयर टू राइज अप एंड सॉलिडिफाइंग, बिल्डिंग अ न्यू अर्थ क्रस्ट। जो मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बताया था ना कि दो बाउंड्रीज दूर जा रही है, मैग्मा नीचे से आ रहा है, यहाँ पे न्यू क्रस्ट बन रही है,
तो कुछ बन रहा है इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव एजेस, सच प्लेट्स आर कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट्स, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। फिर ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, मार्जिन में क्या होगा, कन्वर्जन प्लेट के अराउंड होता है, क्या होता है, द एरिया इज कॉल्ड एज बेनियॉफ जोन, क्योंकि एक ना एक प्लेट यहाँ पे ना डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्ट हो रही होती है, क्या खत्म हो रही होती है वो, क्योंकि डूब रही होती है, तो एक तरीके से कोई नया क्रस्ट तो फॉर्म नहीं हो रहा, तो जो है वो भी नीचे जाकर के क्या हो रहा है, वो सबडक्ट हो जा रहा है। बेनियॉफ जोन कौन सी होती है, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, और ये जो इसके अंदर जो सबडक्ट हो रही है, ये वाला जो जोन होता है ना जहाँ पे ये सबडक्शन हो रहा होता है, वो जोन होती है बेनियॉफ जोन। क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री का इंटरेक्शन मैंने बता दिया था कैसे होता है, ओशन ओशन में कैसा होता है, ओशन कॉन्टिनेंट में कैसा होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में कैसा होता है, इसी तरीके से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का भी इंटरेक्शन हमने देख लिया है। कंजर्वेटिव मार्जिन कौन सी होती है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब दोनों में ऐसे रगड़ हो रही होती है, कोई भी प्लेट कन्वर्ज नहीं हो रही, कोई भी डाइवर्जन नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल रहती है, जो कि एक सैन एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर ये इस तरह की प्लेट देखी जाती है, और वहाँ पे इसको कंजर्वेटिव मार्जिन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था फॉर फाइनल रिविजन, ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल में बने रहे, थैंक यू।